दोस्तों नमस्कार। बोर्ड परीक्षाएं अब बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुकी हैं, यानी नवंबर का महीना भी लगभग लगभग ख़त्म होने वाला है। आज 20 तारीख हो चुकी है, 10 दिन बचे हुए हैं। तो अब इसके बाद आपके पास सिर्फ 2 महीने का समय बचेगा, 60 दिन का। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बोर्ड परीक्षा में अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलतियाँ करते हैं, जिनकी वजह से उनके पास क्वेश्चन के आंसर आते हुए भी उनको पूरे नंबर नहीं मिल पाते, उनके नंबर काट लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, आप ये गलतियां बिल्कुल मत करना जिनकी वजह से आपके आंसर आते हुए भी आपके नंबर काट लिए जाएं। देखिए, पहली गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है, पेपर को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए, तो आपको क्या करना है, पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि कौन से सवाल को पहले हल करना है, कौन से सवाल को बाद में हल करना है। समय का सही सदुपयोग न करना, यानी अगर आपने क्वेश्चन पेपर को सही से नहीं पढ़ा तो आप समय का मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कौन से क्वेश्चन को करने में मुझे कितना समय लगाना है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है जो आपको 15 मिनट का समय दिया गया है उसमें आप पेपर को सही से पढ़िए, डिसीजन लीजिए कौन से क्वेश्चन को मुझे कितना समय देना है। इसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे जो हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराएंगे। फ्रेंड्स, क्या हुआ था अब तक, जो हम जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ गए जिसकी वजह से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो क्रैश हो गया है। तो हमने आज से ही अपना एक नया टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जा करके टेलीग्राम के द्वारा जुड़िए, क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा मैसेज आने की वजह से वो हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया गया है। तो अभी हम टेलीग्राम पर आपको सब कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा टॉपिक है, वो ये है, जो उत्तर नहीं आता है उसे आपको सीधा सीधा छोड़ देना चाहिए, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आप पर क्वेश्चन नंबर 2 ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व कर दिया लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप इसी में उलझे पड़े हो, इसको करने में अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो समझ लीजिए आप अपने सीधे सीधे नंबरों को कटवा रहे हो। जो उत्तर आप पर नहीं आ रहा है उसे छोड़ दो, सबसे लास्ट में करेंगे अगर समय बचा तो, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है उस वाले क्वेश्चन पर। फ्रेंड देखिए, इसके बाद है अगला गलती है, वो ये है, अगर आपने गलत लिख दिया, गलत लिख जाने पर ज़्यादा काटपीट न करें। आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, जैसे आपने लिखा राहुल, राहुल की स्पेलिंग इस तरीके से होती है लेकिन लिखते समय आपने इस तरीके से लिख दिया, यानी गलत लिख दिया, तो अब आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, काट देते हैं। तो दिस इज़ द रॉन्ग प्रोसीजर, अगर आप ऐसे काटोगे ये गलत है। काटने का सही तरीका, सिर्फ आप इस पर एक सेंटर में लाइन इस तरीके से खींच दीजिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों गलत लिखा हुआ है, दोनों को काटने का तरीके में कौन सा आपको सबसे बेस्ट लग रहा है। टीचर को जो इम्प्रेशन करेगा वो ये वाला काटने का तरीका इम्प्रेस डालेगा, न कि ये वाला, ये भद्दा तरीका है। तो आपको इस तरीके से आंसर शीट में कुछ भी नहीं काटना है, काटने के लिए आपको सिर्फ एक अंडरलाइन ही करनी है, यानी एक सेंटर में लाइन लिखनी है अगर गलत हो जाता है तो। इसके बाद अगली गलती ये है, जब आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, आप उसे जमा करने जा रहे हो, तो जमा करने से पहले आपको आंसर शीट पढ़नी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट उस आंसर शीट को नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए, मैं बताता हूँ इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर आपके पास लास्ट 5 मिनट बचे हुए हैं तो इस 5 मिनट में आपको जो आंसर शीट है वो पढ़नी चाहिए। इससे क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या होता है, देखिए वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बहुत अग्रेसिव रहते हैं, यानी जल्दबाजी में वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उस समय मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा था, मैं जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन नंबर लिखना ही भूल जाते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पर आंसर लिख दिया, ये किसका आंसर था, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये 4 को लिखना भूल जाएंगे, या बार बार क्वेश्चन नंबर, ये 5 का आंसर है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिख देंगे। तो ये गलतियाँ कर देते हैं स्टूडेंट, जिससे क्या जो जांच करता है वो कन्फ्यूज में आ जाता है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 5 का आंसर है, उसे पता नहीं चलता तो वो डायरेक्ट आंसर को काट देता है। तो इसलिए जब आप लास्ट में आंसर शीट को पढ़ोगे तो आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि ये मैंने जो आंसर लिखा है ये क्वेश्चन नंबर 4 का है कि 5 का है।
पढ़ते समय आपको ये वाली चीज़ जरूर चेक करनी है कि आप जो आंसर लिख रहे हो वो क्वेश्चन नंबर 4 का लिख रहे हो या 5 का लिख रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो गलतियाँ हैं, अभी प्रेजेंट में परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुकी हैं, आपको सोशल मीडिया के यूज़ से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया में अपना टाइम ज़्यादा दोगे तो वो आपका जो पढ़ाई का समय है वही खर्च हो रहा है। समय तो आपको सिर्फ 24 घंटे ही मिल रहे हैं, उस 24 घंटे में से अगर 3 से 4 घंटे 2-3 घंटे आप सोशल मीडिया में यूज करते हो, जिस समय को आप अपने पढ़ने में लगा सकते हो, अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अपने फ्यूचर की कैरियर के बारे में सोच सकते हो, उसको अगर आप अभी सोशल मीडिया में न दें तो सबसे बेटर रहेगा। सिर्फ अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा फोकस करें, अभी सोशल मीडिया को 2 महीने के लिए कर दीजिए बंद। देखिए गलती नंबर 7 है, वो ये है, ज़्यादा कलरफुल फ़ैन का इस्तेमाल न करें। बोर्ड परीक्षा में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं अपनी कॉपी को सजा दूंगा अच्छे तरीके से तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड की कॉपी में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज करने की इजाज़त दी जाती है। ब्लैक पेन से आप कोई हेडिंग लिख सकते हो, क्वेश्चन लिख सकते हो, और ब्लू पेन से उनके आंसर आपको लिखने हैं। रेड पेन, ग्रीन पेन, इस तरीके के कलरफुल पेन आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं, आप सिर्फ ब्लैक पेन और ब्लू पेन ही यूज करें। इसके बाद गलती नंबर 8 है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है, हर प्रश्नों के बीच में 2-3 लाइन जरूर छोड़ें। जैसे आप कोई भी आंसर सॉल्व कर रहे हो, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आपने सॉल्व कर दिया, इतनी लाइन में आ गया, ठीक है, 4-5 लाइन में ये इसका सॉल्यूशन आ गया, यहाँ पर लिखा था आपने क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है तो यहाँ पर 1-2 लाइन आप छोड़ दिए, हो सकता है 3 लाइन भी छोड़ दिए, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4, फिर यहाँ पर अपना पूरा सॉल्यूशन इसका लिख दीजिए। तो देखिए ऐसा करने से क्या होगा, जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको क्लियर पता चल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, यहाँ पर आके ये फिनिश हो गया है, बीच में 2 लाइन का गैप छोड़ा, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। तो जो जाँच करता है उसे कोई भी संदेह नहीं रहेगा आपके क्वेश्चन और आंसर में चेक करने में, उसके पास जो मार्किंग शीट होती है वो डायरेक्ट देखेगा उसमें कि क्वेश्चन नंबर 3 के कितने नंबर का ये क्वेश्चन है, 2 नंबर का है तो आपको 2 नंबर ऐसे दे देगा, और क्वेश्चन नंबर 4 3 नंबर का है तो यहाँ पर आपको 3 नंबर दे दिए जाएंगे। इस तरीके से आप 2-3 लाइन का गैप जरूर छोड़ें हर प्रश्न को सॉल्व करते समय। तो फ्रेंड अगर आप ये गलतियाँ नहीं करोगे बोर्ड परीक्षा में तो आप हो सकता है 2-4 मार्क्स एक्स्ट्रा ही लेकर के आओगे, अपने मार्क्स नहीं कटवाओगे। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।